111, the portal of angels. So we are too soon gonna start the ceremony here. Can I take your फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको उस दिन मेरे एक शॉर्ट्स में दिखाया था, एक आराम कैफे था जिसमें मैं गई थी, जहाँ पे मेडिटेशन के सेशंस होते हैं। तो आज मैं फिर से दोबारा से वहाँ पे हीलिंग के लिए जा रही हूँ। तो हम जो कैप्चर करेंगे वो हम आपको जरूर दिखाएंगे, तो हमारे साथ बने रहिए। और फिर मैं वहाँ पे जाऊँगा ना, तो मैं खाना खाने भी जाऊँगा। तो बाबू अभी लास्ट में मुझे पिछली बार भी लेने आए थे, तो इस बार भी बाबू अभी मेरे को लेने आने वाले हैं। तो बस ये लोग वही बता रहे हैं, खाना ये लोग बिल्कुल नहीं खाएंगे, खाना मैं बना के जा रही हूँ। तो चलिए आइए मेरे साथ चलते हैं आराम कैफे फॉर द मेडिटेशन सेशन। चलिए मेरे साथ बने रहिए। फ्रेंड्स मैं निकल रही हूँ और मैं बाबू अभी को छोड़ूंगी नीचे पार्क में खेलने के लिए, और उसके बाद उनके पापा आ जाएंगे, फिर ये लोग मुझे आएंगे लेने कैफे में। अब हम लोग आ चुके हैं लिफ्ट में और बाबू अभी को मैं जा रही हूँ नीचे छोड़ने, और ये दोनों खेलेंगे नीचे पार्क में। आपको पता है पार्क में ना वो लग गया एक मैट, वो मम्मी का टूटा हुआ पेंडेंट को ब्रेसलेट है। वाओ भाभी ऐसे इनोवेशंस करती रहती है। भाभी को बड़ा शौक है आर्ट एंड क्राफ्ट वगैरह का। शी स्मार्ट, या शी इज वेरी स्मार्ट। तो बस चलिए मैं इन दोनों को पार्क में छोड़ती हूँ, उसके बाद हम लोग चलते हैं आराम कैफे। हाँ जी बिल्कुल, बाय। जाओ बेटा मेरा फोन, अच्छा चलो मैं छोड़ के आता हूँ, तुम पार्क जाओ बेटा, क्योंकि है ना मेरा फोन आ रहा है कैब वाले का। मैं पार्क बाद में दिखा दूंगी, बाय कर दो मुझे यहीं से ही। बाय बाय। ये जो ये लगा दिए ये उत्तरायण के लिए लगाई है। बाय कैब, लेकिन अभी आ चुकी है हमारी इको कैब की जगह, तो अब हम जाएंगे बस यहाँ से इको में। तो ये खड़ी हमारी इको जिसमें हम लोग जाने वाले हैं आराम कैफे। तो बस अब मैं बैठ के जाने वाली हूँ आराम कैफे, हम लोग निकल दिए। और हाँ मैं जो उत्तरायण का आपको बता रही थी, जो स्कूटी पे आगे जो तार टाइप लगा हुआ था, वो यहाँ पे अहमदाबाद में ही मैंने देखा है, ये स्कूटीज पे लगाया जाता है, ताकि ना अभी काइट फेस्टिवल है यहाँ पे, काफी काइट्स उड़ेंगी, ताकि किसी को कोई इंजरी ना हो पाए, क्योंकि काइट्स उड़ती है तो मंजा किसी के लग जाए, इसीलिए वो लगाया जाता है कोई जैसे जा रहा हो। अब ये देखिए एक स्पेशल जगह आ चुकी है, इसे कहते हैं शांति पथ। यहाँ पे शांति पथ पे ये जो शांति वन नाम का है, ये किसका बंगला है आप जानते हैं, ये बंगलो है मिस्टर गौतम अदानी का, जो कि हमारे देश के बहुत बड़े मिलेनियर हैं, काफी बड़े बिजनेसमैन हैं। और देखिए शाम का टाइम है, तो यहाँ पे काफी ट्रैफिक हो रखा है, शाम के 6 बज रहे हैं, तो ऑफिसेस अभी छूटे हैं, तो यहाँ पे ना काफी ट्रैफिक हो रहा है, आने जाने वालों की भीड़ है। और अंधेरा थोड़ा इसलिए कि शाम हो चुकी है, सर्दियों में जल्दी रातें हो जाती हैं, तो इसलिए थोड़ा सा आपको हेजी सा लगेगा। और फिर उसके बाद ये देखिए हम लोग पहुंच चुके हैं ये आराम कैफे, ये ना 16 विद्यापीठ में है, यहाँ पे सामने ही श्रीनाथ जी का मंदिर है। और इस जगह की वाइब काफी अच्छी है, बहुत ही पायस वाइब है इस जगह की। ये हम लोग पहुंच चुके हैं अपने आराम कैफे, जहाँ पे हमको हीलिंग एंड मेडिटेशन का जो सेशन था वो अटेंड करने जाना था। आप यहाँ पे देख ही सकते हैं कितनी ग्रीनरी है, और यहाँ पे आके आपको एकदम प्योर लगेगा, मतलब यहाँ का जो एनवायरनमेंट है ना वो ही काफ़ी एक्सपीरियंस करने लायक है। जो भी लोग अहमदाबाद में रहते हैं वो एक सेशन यहाँ जाके मेरे कहने पे ज़रूर अटेंड करें, ताकि आपको भी वो पॉजिटिविटी फील हो पाए जो हमें इस कैफ़े में जाके मिलती है। मुझे काफ़ी अच्छा लगा इस कैफ़े जाके, मेरा ये दूसरा सेशन था जिसमें मैं गई थी, तो बहुत ही अच्छी वाइब थी, बहुत ही अच्छा एकदम एक्सपीरियंस था। और ये यहाँ पे ग्रीनरी भी काफ़ी लगा रखी है, उससे भी, और जो नेचुरल एनवायरनमेंट है हो सकता है उस वजह से भी। आज के हमारे सेशन का नाम है सिस्टरहुड हीलिंग सेशन, जो कि स्टार्ट होने वाला है कुछ ही देर में। मैं आपको बात कराती हूँ हमारी जो हीलिंग करने वाली थी उनसे, आइए। हाय एवरीवन, टुडे इज न्यू मून, द फर्स्ट न्यू मून ऑफ 2024, इट्स 111, द पोर्टल ऑफ एंजल्स, सो वी आर टू सून गोना स्टार्ट द सेरेमनी हियर। तो इनका नाम है अस्मिता, आप इनका पेज इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, जिसका नाम है हील द सोल _ बाय अंशिता। तो इन्होंने यहाँ पे ये सेरेमनी कराई थी, जिसे बेसिकली एक कॉर्ड कटिंग सेरेमनी कहते हैं। आपके कोई भी जो नेगेटिविटी आप में है, या फिर जो भी आपकी बॉडी को हीलिंग चाहिए जो नेगेटिविटी से, तो वो सेरेमनी यहाँ पे हुई थी। तो ये एक हीलिंग सेशन था बेसिकली, जिसमें आपको अपनी नेगेटिविटीज़ जो है वो बर्न करनी होती हैं। तो मैं ये सेशन यहाँ पे अटेंड करने गई थी। ये देखिए यहाँ का एनवायरनमेंट इतना प्योर, पॉजिटिव वाइब, एम्बियंस इतना अच्छा,
वाइब बहुत अच्छी आ रही थी। आप लोग भी जाके एक बार ज़रूर एक्सपीरियंस करिए, आपको भी काफ़ी अच्छा लगेगा, काफ़ी पॉजिटिवनेस आएगी आप में। बहुत ही अच्छा हीलिंग सेशन था मैं कहूँगी। तो मेरा सेशन हो चुका है ओवर और मैं आ चुकी हूँ बाहर, और मैं कर रही हूँ बाबू भाभी और मेरे हस्बैंड का वेट। तो जैसे ही वो आएंगे बस हम लोग यहाँ से निकलते हैं। तो बहुत अच्छा सेशन था यहाँ पे आराम कैफ़े में। आप लोग भी चाहें तो ज़रूर इस कैफ़े में आ सकते हैं, बिकॉज़ यहाँ पे काफ़ी अच्छा मेडिटेशन होता है। एंड यहाँ पे मैं आपको सामने दिखाऊँ तो यहाँ पे इस साइड, ये जो आप इस साइड देख रहे हैं, यहाँ पर श्रीनाथ जी का मंदिर भी है। तो यहाँ के आपको काफ़ी प्योर एनवायरनमेंट मिलेगा और बहुत ही अच्छा लगेगा। तो बस मैं मेरे हस्बैंड करती हूँ वेट, जैसे ही वो आते हैं तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ बाबू अभी और मेरे हस्बैंड, और फिर हम ये लोग यहाँ से निकलते हैं घर के लिए। तो मेरे हस्बैंड और बच्चे आ चुके हैं मुझे लेने, पर मेरे हस्बैंड ने बताया बाबू अभी तो आते ही सो गए थे कार में, क्योंकि ये लोग आज दिन भर भी नहीं सोए थे तो काफ़ी थक गए थे ये मेरे हस्बैंड। हम लोग बस जाते हुए यहाँ से आराम कैफ़े को बाय बोलते हुए, ये रहा आराम कैफ़े, हम यहाँ पे जल्दी आएंगे। अगर कोई नेक्स्ट हीलिंग सेशन हुआ तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। और यहाँ पे जो सेरेमनी हुई थी उसके बारे में बताती हूँ। तो आपको कुछ भी जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं या कुछ भी जो आप नेगेटिव चीज़ अपने जीवन से हटाना चाहते हैं, तो आप ऐसे सेशंस ले सकते हैं जिसमें वो आपको बहुत ही कॉन्सेंट्रेट करना बताएंगे। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मेरा इस कैफ़े में जाके। एंड हमारा जो सेशन था वो मेनली वुमेन के लिए था, इसका नाम था हीलिंग फॉर द सिस्टरहुड सर्कल। एंड इसमें बहुत सारे सेशंस हो सकते हैं, आप लोग पता कर सकते हैं कैफ़े आरंभ को कॉन्टैक्ट करके, जिसका पेज इंस्टा पर भी है। और बस अब हम लोग घर पहुंचने ही वाले हैं और देखिए अहमदाबाद कितना सजा हुआ है। तो फाइनली अब मैं घर आ चुकी हूँ और बाबू अभी भी सो चुके हैं और मुझे तो काफ़ी नींद आ रही है, तो मैं भी चलती हूँ सोने। मिलते हैं अगले नए व्लॉग में, तब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड मेरे वीडियोज़ पर कमेंट ज़रूर करिए। मिलते हैं अगले नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।